सबसे पहले लालू जी को सवाल पूछना चाहता हूं। लालू जी, आप बिहार में 15 साल और केंद्र में 10 साल मुख्यमंत्री रहे, आपने कर्पूरी ठाकुर को कभी भारत रत्न का नाम नहीं दिया। वो दिया तो हमारे नेता अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन के सभी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़े। ये अति पिछड़ा समाज से आने वाले मोदी जी देश के सबसे पहले अति पिछड़ा प्रधानमंत्री कोई बना है तो हमारे नरेंद्र मोदी बने हैं। नरेंद्र मोदी और 50-60 के दशक में एक चर्चा चलता था कि लोहिया जी की थ्योरी देश का भला करेगी या नहीं करेगी। मैं आज लोहिया साहब को प्रणाम कर कहना चाहता हूं, अति पिछड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। मित्रों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, समृद्ध किया, गौरव दिला है। मधुबनी वालों, मुझे बताओ, कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो भाई, है या नहीं है? एक खड़गे साहब कहते हैं, राजस्थान बिहार वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खड़गे साहब, आप 80 पार कर गए, देश को नहीं जान पाए। मैं आपको बताता हूं, मधुबनी का बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 70 साल से एक कांग्रेस वाले लालू जी जिसको अनरोस बच्चे की तरह संभाल कर रखे थे, वो धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया, समाप्त। और पूरे भारत में एक ही ध्वज, एक ही संविधान और एक ही प्रधानमंत्री का नारा जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी देकर गए थे, उसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और भाइयों बहनों, ये इंडी अलायंस वाले कह रहे थे कि मत हटाओ, 370 मत हटाओ। ये राहुल बाबा कहते थे खून की नदियां बह जाएगी। भाइयों बहनों, आज मैं राहुल बाबा को कहने आया हूं, राहुल बाबा खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकड़ चलाने। ये नरेंद्र मोदी सरकार, ये आज इंडी अलायंस वाले कहते हैं लालू जी का बेटा इसका जवाब दे। वो कहते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, मणिशंकर अय्यर कहते हैं, अरे राहुल बाबा, पाक के एटम बम से आप डरो, मोदी जी के नेतृत्व में भारत इतना मजबूत है, कोई एटम बम से डरने की जरूरत नहीं है। मधुबनी वालों, मुझे बताओ, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, फारूक अब्दुल्ला तक जवाब जाना चाहिए, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? मैं आज इस विद्यापति की भूमि पर कह कर जाता हूं, मंडन मिश्र और अष्टावक्र भूमि की मुनि की भूमि पर कहकर जाता हूं, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, रहेगा और उसको हम लेकर रहेंगे, लेकर। भाइयों बहनों, आज मैं कहना चाहता हूं आप सभी को, ये इंडी अलायंस वालों का कुछ होना नहीं, मगर मान लो स्वप्न में भी वो जीत जाते हैं,
जीतने नहीं है, मोदी जी ही 400 पार कराने वाले हैं, मगर जीत गए तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आप बता सकते हैं मधुबनी वालों? चलो चलो, आप कंफ्यूज है, मैं पूछता हूं, ममता बनर्जी बन सकती है क्या? लालू जी बन सकते हैं क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? शरद पवार जी बन सकते हैं क्या? जब इंडी अलायंस वालों को पूछा कि तुम आपका प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन है, तो उन्होंने कहा बारी बारी एक एक साल बनेंगे बोली। अरे मधुबनी वालों, ये कोई परचूरन की दुकान है क्या कि भागीदारी पीढ़ी चलेगी? इस देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए जो देश को सभी खतरों से बाहर निकाले। कोरोना जैसी महामारी आए तो देश का नेतृत्व करे। मुझे बताओ मधुबनी वालों, सभी को दोनों टीका कोरोना का लगा है?